दी, हम भी बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, भैया बोले जय माता दी, 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 प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मेरा नाम वीना शर्मा है, मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आई हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं माता के दर्शन रामनवमी पे करूं, और आज वो मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं से सजावट इतनी अच्छी लग रही है, मैं बहुत ये सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी माता के भवन पे पहुंच जाऊं और मैं दर्शन कर लूं। जय माता दी। आपका नाम जानना चाहिए? कौशल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आप यहाँ रामनवमी पे पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और बहुत मतलब शानदार एक्सपीरियंस रहा। और हमने जैसे रात को चढ़ाई स्टार्ट की थी, और हम फिर पहुँचे अर्धकुआरी, फिर उसके बाद भवन में अच्छे से दर्शन किए, फिर वहाँ से हम फिर भैरव गए, और फिर भैरव से फिर अर्धकुआरी से लौट गया सुबह सुबह। और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरा श्राइन बोर्ड ने पूरा ऐसा व्यवस्था किया था, पानी का, फिर आपका स्टे का, ऐसा वो अच्छा लगा, पूरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज रामनवमी है, कहा जाता है कि काफ़ी सौभाग्यशाली लोग होते हैं। हाँ जी जी, ये तो है। हम लोग ना ऐसे, हम लोग तो शरद, ये शरद नवरात्र चल रहा है, तो हम लोग प्रथम दिन को भी आए थे, बट अब हम लोग का था कि लास्ट दिन दशहरा के और प्लस में रामनवमी, दोनों का शुभ अवसर है, तो हम लोगों ने ये प्लान किया था, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग आ गए यहाँ पे। और हाँ, एक तो भाग्य की बात है कि दोनों एक साथ मिल गए, और इससे माता का दर्शन हो गया इस दिन, इस शुभ दिन पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मैं बिगन कुमार, मैं दशहरा में यहाँ घूमने आया। एक्चुअली मैं यहीं पढ़ाई करता था फिलहाल, तो ये पढ़ाई करते करते मैं सोचा कि चलिए यहाँ घूम लेंगे। अभी जस्ट हम लोग का एग्जाम खत्म हुआ था, तो सोचा कि चलिए घूमने के, अच्छा माता के पास दर्शन भी हो जाएंगे, और यहाँ पे हैं तो इसका एक खुशखबरी, काफ़ी बार हम लोग तो आते जाते रहते हैं यहाँ पे माता के पास, और दशहरा में आने का मौका मिला इस साल, और हमें खुशखबरी के मतलब काफ़ी है कि हाँ मैं दशहरा में यहाँ पे घूम लिया। माता जी, अपना नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कमलेश, मिसेस नागर। यहाँ पे आज रामनवमी और माता के दर्शनों के लिए पहुँचे, क्या कहेंगे? मेरे को अचानक माता ने बुलाया एक दिन पहले ही, और मेरा था नहीं आने का, अचानक ही माता ने बुलावा आया और मैं आ गई नवमी को माता के दर्शन करने। नवमी को ही दर्शन होने थे हमारे माता के, तो इसलिए। कितना शुभ, कितना इसको मानते हैं? मैं बहुत शुभ मानती हूँ, मेरा सातवीं बार आ रही हूँ मैं विश्राम, मैं बहुत शुभ मानती हूँ माता रानी को। बस मेरी माता रानी मंशा पूरी करे, जिस इरादे से मैं आई हूँ माता रानी के, उस हिसाब से मेरी मंशा पूरी करे माता रानी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।